अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें कि आप देख पाएं हमारा वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, टेक्नो विकास चैनल में आपका स्वागत है और मैं विकास। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम जो है उसे ओपन कर लेना होगा और यहाँ पे गूगल सर्च कर लें। और गूगल खुलने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड जो है वो लिखना होगा। और फिर सर्च करें इसे। और सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में जो हमारा वेबसाइट शो कर रहा है UIDAI-Official वेबसाइट, आपको इसी वेबसाइट को जो है खोलना है, ओपन करना है। तो उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हमारा साइट आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से खुल चुका है। मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बात बता दे रहा हूँ कि बहुत बार ये वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं होती है और बहुत बार होती है कि इसे लोड होने में काफ़ी समय लगता है। तो घबराएं नहीं, आप ट्राई करें तो ये वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। और आप यहाँ फर्स्ट में जो है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर में मुझे शो हो रहा है डाउनलोड आधार। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज मिल जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ अभी। और इसमें जनरली जो है वो दो तरीके होते हैं आधार कार्ड डाउनलोड करने के, तो मैं आपको यहाँ पे दोनों बताने वाला हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दूँ। आप यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले देख सकते हैं फर्स्ट इनरोलमेंट नंबर और आधार नंबर। जब आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा तो एक फॉर्म आपको जो है वो रिसिप्ट दी गई होगी, तो उसमें जो इनरोलमेंट आईडी जो है वो आप उसी से यहाँ पे देख के और भर सकते हैं। उसके बगल में जो है डेट और टाइम की है, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम जो है वो आपको इसमें डालना होता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आईडी पे, तो आपको यहाँ पे आईडी लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगी। और आईडी लिखने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है डेट के लिए जगह दी गई है और ठीक उसके बगल में टाइम की जगह दी गई है। तो आप उसके हिसाब से अपना टाइम भर लें इसमें। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फुल नेम में। तो यहाँ पे जो है आप अपना फुल नेम डालें जैसा कि आपके स्लिप में लिखा हुआ है। और उसके ठीक बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। और पिन कोड डालने के बाद उसके ठीक नीचे आपको एक इमेज शो हो रही है, तो आपको इस इमेज को जो है अच्छे से देख लेना है। और इस इमेज के नीचे ठीक एक देखिए यहाँ पे शो हो रहा है इंटर अबव इमेज टेक्स्ट, तो आपको इसमें जो डिजिट शो हो रही है उसको आपको नीचे में लिखना होगा। और जनरली सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है ये इमेज, इसे कैप्चा भी बोला जाता है। तो आप यहाँ पे इस जो भी डिजिट है उसको एंटर कर दें। और उसके ठीक नीचे मोबाइल नंबर है, जो आपके पास स्लिप दी गई है उसमें एक मोबाइल नंबर शो होगा, मोबाइल नंबर मेंशन होगा, तो वो मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पे डालना होगा। और वो मोबाइल नंबर इसलिए डालना होगा क्योंकि उसमें वन टाइम एक पासवर्ड आता है जिसे हम लोग OTP बोलते हैं। और वो OTP जो है हम लोगों को ये सेकंड में इंटर OTP जो है, मोबाइल नंबर आप जैसे ही डालेंगे तो हमारा ये जो है आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर देगा जिसमें आप OTP जो है वो डाल सकते हैं। और वैलिडेट और डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपका जो है वो PDF फॉर्मेट में आपको आधार कार्ड जो है वो मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पास आधार कार्ड PDF आ जाएगा, आधार कार्ड जो है वो लॉक रहता है। और बहुत बार लोगों के साथ ये होता है, टाइम वेस्ट करने के बाद जब आपको वो PDF मिलता है, आपको ये नहीं पता होता है कि उसमें पासवर्ड हम क्या डालें और फिर आप उसको छोड़ देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपका पासवर्ड जो है वो आपका पिन कोड है, एरिया पिन कोड जो है आप उसे एज ए पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वो PDF डाउनलोड हो जाए तो आप उसमें अपना जो पिन कोड है वो डाल दें और फिर सबमिट कर दें। तो इससे क्या होगा कि हमारा PDF ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल उस समय नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डालें जो कि आपके पास अवेलेबल हो, और नीचे में जो है इंटर OTP वहाँ पे आप डालना होगा, तो आपका काम इससे भी हो जाएगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे ऊपर में जो है आप मोड चेंज कर लें, आधार कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ आपको आधार नंबर डालना होता है। और अभी देखिए हमारा पेज लोड हो चुका है पूरी तरीके से।
से। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो है उसे डालना होगा, और इसकी शर्त ये है कि अगर आपकी आधार कार्ड जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो यहाँ से आप आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर करा रखा है तब आप यहाँ से आधार कार्ड नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं अपना आधार कार्ड। तो यहाँ पे जो शो हो रही है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे अपना नाम डाल दें और ठीक उसके नीचे जो है वो पिन कोड नंबर डाल दें, और यहाँ पे पिन कोड नंबर जो है वो आपने आधार कार्ड में जो दर्ज कराया है उसे ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक गेट वन टाइम पासवर्ड है OTP है, तो वहाँ पे जो है क्लिक कर दें, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो है एक SMS आएगा, और वो SMS में जो है आपको 6 या 6 डिजिट की एक कोड रहेगी, उसे यहाँ पे आपको डालना होगा। और जैसे ही आप यहाँ पे उस कोड को डालेंगे तो आपको जो है ये वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर देगी आपका आधार कार्ड, और आप उसे फिर उसी तरीके से खोल सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आप अपना जो पिन कोड है उसे आप पासवर्ड कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिससे कि आप अपने मोबाइल में भी अपना आधार कार्ड जो है वो सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।